नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के सुपरहिट पॉलिटिकल शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जनता की बेहद मांग पर आज हमने खास मेहमान को बुलाया है। 10 साल से दिल्ली में सांसद जी का बोलबाला है, लेकिन असल में बिहार के लाला हैं, राम जी के भक्त हैं, केजरीवाल पर काफी सख्त हैं, नेता हैं, मगर क्रिकेटर बनने के भी लक्षण हैं, भोजपुरी के बच्चन हैं, राजनीति में बहुत से विवाद हैं, मगर उनके नक्शे कदम पर चलकर बहुत से कलाकार आबाद हैं। हुनर ऐसा कि भोजपुरी से बॉलीवुड तक को नापा है, पब्लिक के लिए वही रिंकिया के पापा हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के सांसद, बीजेपी के स्टार प्रचारक, देश के बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर भारी मनोज तिवारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। मनोज जी आइए प्लीज, स्वागत है आपका। मनोज जी, चुनाव का एकदम चरम पर चल रहा है और आप और ज्यादा फिट होते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 10 साल सांसद बने हो गए, 2 दशक सिनेमा में बतौर एक्टर हो गए, कौन सा सफर ज्यादा मुश्किल था? मुश्किल तो ये वाला था जो लास्ट है। 10 साल सांसद रहने के बाद और 14,600 करोड़ का काम कराने के बाद अपने क्षेत्र में, और किसी को ये न दिखे कि कोई कमीशन लिया, कोई घोटाला किया, तो मैं समझता हूँ सबसे सख्त जो सफ़र था वो बहुत अच्छे से निकल गया। निकल गया या अभी जा रही है? ये तो अभी जा रही है आपका सफर। नहीं, 10 साल तो निकल गया, 10 साल निकल गया और 25-30 साल और बाकी है। क्या बात। लेकिन मैं शुरुआत मोहनिया से मुंबई तक के सफर से करता हूं। वो दिन तो याद आते होंगे आपको, जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा था, मामूली सी साइकिल खरीदने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा, आश्रम में 2 रोटी खाने के लिए भक्तों के लिए दर्जनों रोटियां बनानी पड़ी। ये सब सच्चाइयां हैं जीवन की, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अब वो चीजें अच्छी इसलिए लगती हैं कि उसको पार करके आ गया। ये सच्चाई है कि 24 साल तक मेरे पास साइकिल नहीं थी, और ये भी सच्चाई है कि मैं 10वीं क्लास में पहली बार जूता पहना था, और ये भी सच्चाई है कि एक आश्रम में मैं यहीं पे दिल्ली के जमुना बाज़ार में, दंडी आश्रम है भूमानिकेतन गुरु जी का, तो वहाँ रहता था, शौकिया चलता था। ये जरा पूरी कहानी बताइए लोगों को, आपके ये संघर्ष की कहानी नहीं पता है जरा। अब हम लोग जैसे आते थे आश्रम में रहते थे तो हम लोग सेवा देते थे, उसको हमारी मजबूरी नहीं थी, लेकिन हम सेवा देते थे कभी रोटियाँ बनाने में, परोसने में। लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है कि मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर भी था। अच्छा जी, मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ता था तो मुझे बार बार माँ से पैसा मांगना पड़ता था, तो माँ को अनाज बेचना पड़ता था, अनाज बेचने के बाद अगर व्यापारी ठीक टाइम से नहीं दिया तो माँ के झगड़े होते थे, तो बहुत कुछ अजीब लगता था। तो मैंने जीप चलाना सीख लिया था, तो मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर था बनारस में। वो शनिवार रविवार हम उनके साथ रहते थे और मुझे 600 रुपया मिल जाता था और उतना ही मेरा खर्चा होता। आज वैसे उनसे कभी आपकी बात होती है? हाँ, बहुत अच्छे, जिनके आप जीप चलाते थे बात होती है? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। अब वो पर्टिकुलर वो तो संसार में नहीं रहे, लेकिन उस परिवार से मेरा बहुत लगाव है। और वो भी देखिए, वो भी एक ना था कि कुछ करके करना है। बहुत अपनी पढ़ाई के लिए बार बार घर के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है, तो ऐसा था, हो गया, कोशिश करने वाले का वो काम हो जाता है। दिल्ली में कौन से आश्रम में थे आप और कहाँ पर था वो? दंडी आश्रम ही जमुना बाजार में है, जो मरघट वाले हनुमान जी हैं उनके जस्ट अपोजिट, ऊपर शंख वाला मंदिर है।
तो हमारे गुरुजी का मंदिर है, तो आज भी गुरुजी हैं, आज भी मुझे आशीर्वाद दे। भूमा निकेतन आश्रम है और शुरुआती समय था, मैं उन्हीं के कारण दूसरी बार दिल्ली आया था। एक बार तो आया था रिपब्लिक डे परेड के लिए, मैं एनसीसी में भी रहा हूँ और मैं 1985 में जूनियर डिवीजन से रिपब्लिक डे परेड में था बिहार कंटिंजेंट से, लेकिन दूसरी बार आया गुरुजी के कारण। तो ये सब मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ, आप कहीं से तो पढ़े होंगे, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं ना तो आपके अभाव के दिन ज़्यादा आपको सुख देते हैं, इसलिए अभाव के दिनों को बहुत कोसो मत। क्या बात, किसी दिन सफल हो जाओगे तो उसके लिए तरस जाओगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप जहाँ संघर्ष किया वहीं से आप सांसद हैं, ये एक बहुत अपने आप में इंस्पायरिंग है। जरा जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए। एक बार हम आपसे जब तो मैं जहाँ का सांसद हूँ ना उसी क्षेत्र में मैं जब गाना गाने के लिए प्रयत्नशील था तो उसी लोकसभा के गोपालपुर गांव में एक मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ एक झुग्गी में रहता था। जब लगातार 3-4 दिन रहता था तो मैं खुद महसूस करता, उन्होंने तो कभी महसूस नहीं होने दिया था, लेकिन मुझे लगता था 3-4 दिन लगातार रह गए नहीं खाना खाए के बनावे के पड़ा था तो ठीक नहीं थे, तो हम लोग कहीं और चले जाते थे। बट वहाँ का सांसद हूँ, वहीं का सांसद हूँ। हम आपसे जुड़ी जब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि जब आप गांव से बनारस आए थे तो घर नहीं था, घर मिला तो आप खुद मजदूरों के साथ घर बनाने में जुट गए। नहीं, हम लोग आए थे पढ़ने तो घर नहीं था, तो घर तो बहुत दिन तक नहीं था, लेकिन एक आदमी का एक प्लॉट था तो वो हमको दे दिए छोटा मोटा भाड़ा पे, तो हम लोग उसी में अपना कमरा खुदे बनाए, मजदूर बुलाए, अपने भी लग गए और वो गारा मिट्टी वाली दीवार खड़ा करके अपने एक कमरा बना लिए, तो राजा की तरह फील होता था। लगता था कि पूरा प्लॉटवा में तो घास था, तो लगता था हम हमारा घर है और बड़ा फार्म हाउस है, ऐसा महसूस होता था। क्या बात। मैं फिल्मों की बात भी आपसे करूंगा लेकिन पहले शुद्ध राजनीति पर आते हैं। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ने ऐसा क्या चक्कर चलाया कि सिर्फ उनकी ही टिकट बची, बाकी 6 के 6 सांसदों की सीट बदल गई। असल में दूर से देखने में ऐसा लगता है, और आमतौर पे जो देश की राजनीतिक विचारधारा रही है, जो राजनीतिक संस्कृति रही है, वहाँ यही कहा जाता है इनका टिकट कट गया, इनका टिकट बच गया। तो अभी राजनीतिक पंडित लोग भी ऐसे ही देखते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में कल्चर बदल चुका है। इट डजंट मैटर कि हमको टिकट मिला, और इट डजंट मैटर कि हमको टिकट नहीं मिला तो दूसरा काम मिल गया। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है लोगों के जीवन में सुधार, गरीबों के दरवाजे तक सरकार की सुविधाएं, आदिवासी समाज तक जो सरकार की जो भी भेजी हुई चीजें पहुंच जाए। जो लोग कहते थे 100 रुपया जाता है तो 85 रुपया नहीं मिलता है, तो 15 रुपया मिलता है या 15 पैसा मिलता है 100 1 रुपये में, तो उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता हमको टिकट मिला है तो ये बड़ी नहीं, लेकिन मनोज जी उछलने की बात नहीं है, और जिसका कटा है उसको बहुत दुख की बात भी। जो बाकी 6 का कटा है कुछ तो कमियां रही होंगी इसीलिए कट गया टिकट, नहीं मिला उनको। यही बताना चाहता हूँ कि अब वो कमियों के आधार पे नहीं, आप किसी का योग्यता है स्टेट संभालने का तो उसको प्रभारी बना दिया जाएगा, किसी का योग्य। हमारे यहाँ VIP कल्चर नहीं है। असली बात क्या है कि खाली लाल बत्ती नहीं उतरी है, यहाँ भी VIP कल्चर नहीं है। जब जिसको जो काम दिया जाएगा वो करेगा और पूरे मनोयोग से करेगा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करेगा। आप दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार हैं। जी जी। इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिली है, आपको क्या लगता है कांग्रेस से मुकाबला आसान है या आम आदमी पार्टी से? अब तो दोनों बराबर है। अब तो देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे क्षेत्र में 7 विधायक हैं, और जिसके 10 में 7 विधायक हों वो चुनाव लड़ने से भाग जाए, अब उसकी बची क्या है? तो इसलिए शायद वो अपनी जान बचाने के लिए ही भाग गए कि भैया इधर से तो कांग्रेस से संभाले, और कांग्रेस
कांग्रेस का ही वो कारण है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में आज तक एक सेंट्रल स्कूल नहीं था, मेट्रो नहीं थी, रेलवे लाइन गुजरती थी, रेलवे स्टेशन नहीं था, एक जमुना जी पे ब्रिज नहीं था, हमारे यहाँ कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहाँ हजार आदमी बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें, और आज 10 साल में सब है जो नहीं था, ये अंतर है हमारा। अच्छा मनोज जी, कन्हैया कुमार का नाम सुना है आपने? कौन कन्हैया? मतलब कई कन्हैया को जाना? कन्हैया कुमार, ऐसी खबर है कि अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में जेएनयू से जानता हूँ। उनका एक लाइन बहुत फेमस है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वहां से जानता हूँ। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस आपके खिलाफ कन्हैया कुमार को उतार सकती है, लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुकाबला काफी रोचक होगा, आप भी कन्हैया कुमार को क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए हम तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी को चुनौती नहीं मानते, और लेकिन सीट से तो आप लड़ रहे हैं ना, नरेंद्र जी कहां लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, हम भी लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो 543 सीटों से लड़ रहे हैं। अगर किसी को ये भ्रम होगा या भ्रम डालने की कोशिश करे तो उसका भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चुनाव है, और जिसके पक्ष में 272 से ज्यादा सीट होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए वो 543 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए होगी कहीं ना कहीं। कहीं आप जो बात कर रहे हैं वही बात खड़गे जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वहां पर तो अगर मोदी जी को हटा दें तो बीजेपी के सांसद चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो हटाएंगे क्यों, वो तो यही चाहते हैं भाई। अगर उनकी उनका हिम्मत है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दें, वो भी 543 पे हो जाएंगे। हिम्मत तो दिखाओ। ठीक है, साहस है तो बताओ। ठीक है, हमारे एडिटर से राजेश जी। मनोज जी, अभी यार उन्होंने सवाल पूछा कि आपने ऐसा हाई कमान आला कमान पे क्या जादू किया कि 7 में से 6 सीटें जो है वो टिकट कट गए, आपका टिकट बच गया। अब इस पर, इस पैटर्न पर आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए जी, कि जिन्होंने नारा दिया गोली मारो, जिन्होंने कहा कि गोडसे राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम सांसद को उल्टी सीधी बातें कहीं, उन सबका टिकट काट दिया गया है, क्या ये कोई पैटर्न दर्शाता है? आपका जो पर्सोना है, आपकी जो छवि है, आप अच्छे गाने गाते हैं, मुस्कुरा के लोगों से मिलते हैं, तो ये अब क्या बीजेपी में पैटर्न बदल रहा है कि एग्रेशन को कम किया जा रहा है और सबको साथ लेके चलने वाले को ज्यादा तरजीह दी जा रही है? अब देखिए, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। आप ही से तो चाहिए जवाब। नहीं, हम लोग तो अपना काम करने में विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि अगर हमारा प्रधानमंत्री का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें उसको अपने व्यवहार से फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, हम तो पार्टी का धन्यवाद करते हैं, मुझे लड़ने को बोला गया है, इसलिए मैं और चीज़ों पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने भी काम बहुत अच्छे किए हैं जिनको नहीं भी मिले, लेकिन अब क्या कारण है, किन किन चीज़ों को पार्टी ने देखा है, ये तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता हूँ। मुझे मिला, थैंक यू मोदी जी। समीर जी, मनोज जी, 2014 में 700 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2019 में जीती, वो पूरी संभावना है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 700 सीट जीतेगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलने के बाद भी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि विधानसभा में जब वोटिंग की बात आती है तो जनता पूरी एक तरफ केजरीवाल के पास चली जाती है, एमसीडी की वोटिंग होती है तो केजरीवाल के पास चली जाती है। दिल्ली का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे दिल्ली के, आपके समय संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव था, उसके बाद संगठन जमीन स्तर पर वो मैसेज क्यों नहीं दे पा रहा? प्रधानमंत्री मोदी का इतना काम है लेकिन दिल्ली के अंदर वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कमजोरी लग रही है आपको? देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं ना वो पीछे 10 साल की कहानी है, ऐसा नहीं कि 1993 से ऐसा ही होता आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी,
दोनों होने के बाद भी वो लोग दिल्ली को क्या दिए हैं आज चल के देख लीजिए क्या हो रहा है। आज भी लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कभी भी नाले में टॉयलेट नली में गली में टॉयलेट का पानी आ जाता है, जमुना जी गंदी हैं। 10 साल में जो आए उन्होंने किया, मेरा मानना है कि ये हो चुका है। 10 साल में ऐसा जरूर हुआ कि केंद्र में हमको नरेंद्र मोदी जी को लाई दिल्ली की जनता और स्टेट में नहीं लाई, तो एक भ्रम का माहौल था, सबको लगता था कि अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ा एक शासन चलाने का एक नया तंत्र लेके आए हैं, तो इसमें दिल्ली की जनता भ्रमित हुई। लेकिन आज दिल्ली की जनता कहाँ है? आप देखिए 2011 में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब दिल्ली की जनता सड़कों पे आ गई थी और उनको जेल नहीं जाने दिया गया था। आज वही अरविंद केजरीवाल पॉकेटमार की तरफ बांध के ले जाया जा रहा है और कोई आदमी सड़क पे नहीं आया, गाड़ी जा रही थी जेल के अंदर। इसके पीछे कारण है सर, टूटी गलियां, आज भी जमुना जी 1540 किलोमीटर बहती हैं, लेकिन व्हाट इज द रीजन, ओनली 28 किलोमीटर इज मोस्ट पोल्यूटेड। आज क्या है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर हमारी दिल्ली हो गई, हमारी दिल्ली को नजर किसकी लगी है? आज क्या हो गया है कि बुजुर्गों का पेंशन बंद है, 2018 के बाद दिल्ली में जो 60 साल का हो रहा है उसका पेंशन नहीं मिल रहा है कि पैसे नहीं है। 9 साल में एक भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है सर। आज दिल्ली के स्कूलों में चले जाइए, अभी परसों दिन कोर्ट ने कहा एक क्लास में 144 बच्चे जानवर की तरह ठूस के पढ़ाए जा रहे हैं। 9वीं क्लास में 1-1 लाख 1.5 लाख लड़के हर साल फेल किए जाते हैं, क्यों? वो 10वीं पास होने लायक नहीं है, रिजल्ट खराब हो जाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? इसलिए जो भ्रम उनको फैलाना था फैला दिया। इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आएगी और दिल्ली के लोग लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। देखिए हालत तो एमसीडी के स्कूलों की भी अच्छी नहीं थी, अगर बात की जाए ट्रेन में जो बुजुर्गों को रियायत मिलती थी वो भी बंद हो गई, अगर बात की जाए रेलवेज में ट्रेन में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल, देखिए एक तो जेल देने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जेल देने का काम कोर्ट का है, बेल देने का काम कोर्ट का है। अगर अभी भी उस समझते हम दिल्ली की जनता को यूथ को भ्रमित कर लेंगे कि देखो भाजपा ने जेल डाल दिया तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई, संजय सिंह को बेल मिल रही है और मिलने के बाद उनकी भाषा सुन लीजिए। तो मेरा मानना है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा पाता है। अब दिल्ली में किसी को सहानुभूति नहीं अरविंद केजरीवाल जी से, और उसका रीजन है जो मैंने बताया सर। लेकिन कहते हैं वो, उनका ये कहना है कि ईडी जो है वो आपकी बी टीम है और जो पीएमएलए कानून है वो ईडी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, वो इतना कठिन कानून है कि उसमें बेल नहीं मिलती है। तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई, ये तो आप पे सवाल है सर। नहीं, अब ये भ्रम फैलाने का एक तरीका है, वो ऐसा भ्रम फैलाते हैं। देखो जी, जांच एजेंसियां मजबूती से काम करनी ही चाहिए, भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई आदमी सरेआम लूट रहा है, कितनी सारी बातें हैं छोड़ दीजिए, यह तो तय है कि शराब पिलाने के लिए उम्र भी कम किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। 25 साल शराब पीने की लीगल उम्र है, अदरवाइज कोई पीता पकड़ा गया तो उसको कानूनी प्रावधान है उसके लिए। वो कहते नहीं नहीं 21 साल कर दो, 21 साल से ही पीना शुरू कर दे। अब एक माता पिता का दर्द समझिए ना, कि जब वो 40-45-50 साल का होता है तो अपने बेटा से बेटी से क्या एक्सपेक्ट करता है, हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, और पता चले कि बच्चा एक पर एक फ्री लेके घूम के आ रहा है। ये हम बच्चों का भविष्य दे सकते हैं। मुझे बहुत कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि हमारे दिल्ली में मंदिर के सामने शराब की दुकान खोलने की जिद हुई, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, स्कूल के सामने, और हमारी दिल्ली की महिलाएं आई थी सर,
आप सर आप लोगों को पता होगा महिलाएं आकर के जो पॉलिटिकल नहीं थी और वो चिल्ला रही थी, हम जाकर के पीछे से खड़े थे, हमें लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा इशू बन रहा है, और आज उसका कारण देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। अभी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक पॉइंट है नीति पर, हाँ वो समझ में आता है, लेकिन जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं उल्टा वो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, और कई आरोप लगाते हैं कि जिनके साथ आप सरकार में हैं बिहार में, वहां पर घर घर होम डिलीवरी होती है बैन होने के बावजूद भी। ये भाई आप देखो लोग कानून तो ये भी है कि जो मर्डर करेगा उसको सजा होगी, लेकिन क्या हमने मर्डर 100% रोक दिया? क्या अपराध करने वाले तो करेंगे, बट कानून क्या है, हमारी नीयत क्या है? वो नीयत है कि हम शराब, देखो वो स्टेट स्टेट की पॉलिसी है, बिहार की क्या पॉलिसी है उस पर हमारा मत, ऐसा मत लीजिए कि वो जो जो हो रहा है वही सही है। मैं तो शराब नीति, बिहार के शराब नीति की समीक्षा चाहता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि नशा के लिए उत्साहित मत करो, नशा के लिए किसी को उसका ग्लैमर मत बढ़ाओ। क्यों सिगरेट पीने पे क्यों ऐसा बैन आता है कर तरफ, ये चीजें अच्छी नहीं है। बहरहाल कानून के दायरे में चलता है तो उसका पालन करते हैं। देखिए मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उनके साथ सरकार में हैं बिहार में, हाँ, और उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, वो सरकार का फेल्योर है। अगर हम नियम बना रहे हैं और उसके बाद भी शराब की डिलीवरी हो रही है तो मैं तो कई बार मानते हैं कि वो अपनी इस पॉलिसी में फेल हो गए नीतीश कुमार। देखिए पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन लागू होने में तो फेल्योर आया है, इसमें हम कैसे झूठ बोलने की नहीं आया है, और उस पे उसको ठीक करने के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं संजय सिंह के स्पेसिफिक आरोपों पर आता हूं। उन्होंने उन पर और आपका जवाब भी लेना चाहूंगा। उन्होंने नाम लिया अरविंदो फार्मा के शरत रेड्डी का, मैं फैक्ट्स के साथ आपसे पूछ रहा हूं। आरोपी की शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करीब 55 करोड़ रुपए दिए, फिर उन्हें सरकारी गवाह बनाकर जमानत दिलवा दी गई। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं संजय सिंह जी से कि क्या कोर्ट बंद हो गई है देश में? आप ये बात सिर्फ मीडिया में कह रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? हम तो आपके अपराध के खिलाफ कोर्ट गए ना, वो क्या बात है जो आप इसमें छुपाना चाहते हैं? कोर्ट खुला हुआ है, जांच एजेंसी खुली हुई है। आप मान लो कहते हो कि केंद्र सरकार है तो जांच नहीं होने देगी, आप कम से कम कोर्ट तो जाओ, कोर्ट तो आपको बेल भी दी है। इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो छुपाए जा रहे हैं। लेकिन मनोज जी सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया कौन था भाई? जो व्यवस्था ही हम ला रहे हैं मोदी जी लाए हैं, और मोदी जी ने अभी एक किसी इंटरव्यू में स्पष्ट बोला है कि मैं खुद लाया हूं, और हम चाहते हैं, आप जानते हैं हमारे बीजेपी में आज 2000 रुपया से ज्यादा कोई चंदा देना चाहे तो उसको चेक से ही देना पड़ेगा या उसको डिजिटल ही देना पड़ेगा, हम ले नहीं सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि चंदे की जांच हो, और इसीलिए हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी लेके आए हैं। अब उसमें कोई कोई जैसे कहा ना कि नियमों का दुरुपयोग कई लोग करते हैं, अगर किसी ने किया होगा तो भाजपा को भी अगर चंदा दिया हो और वो गलत है तो उसको पक्का कानूनी कार्रवाई होगी। एक चीज बताइए, जो आरोपी है सर, वो आरोपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा देता है, उससे चंदा लेना कितना सही या गलत है? उसकी जांच होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसका पैसा ही ठीक नहीं है तो उसमें उसी कार्रवाई होगी, उस पे निश्चित रूप से कार्रवाई। एक और आरोप है, वो आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश के मंगुटा परिवार पर, वो कहते हैं कि अंगोल के सांसद मंगुटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को 7 बार वो बयान देते हैं। 6 बयानों में वो केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं, 7वें बयान में केजरीवाल का नाम लिया जाता है, और फिर राघव रेड्डी जेल से छूट जाता है और मंगुटा रेड्डी को एनडीए की तरफ से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया जाता है, ये आरोप है। देखिए इस केस का हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि इसलिए मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं है कि क्या तथ्य है। और मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि कई बार घोटाले में कुछ लिप्त लोग जब उनको ऐसा कहते हैं कि सर इसमें मैं लिप्त तो हुआ हूं
लेकिन हमारी लिप्तता इसलिए निर्दोष है कि मुझे इस व्यक्ति ने कहा है, हम उसके कहने पे गए हैं। तो ऐसे कई केसेज हैं जहां लोग सरकारी गवाह बनते हैं और सरकारी गवाह बनने से उनका केस नहीं खत्म होता है, मनोज जी आप केस तब भी चलते रहता है। आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है और सबसे ज्यादा सवाल तो आप ही लोग उठा रहे हैं। किसकी? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल आप ही लोग उठा रहे हैं। जब वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब तो आपसे लेंगे ना। कई बार आरोपी सरकारी गवाह बनता है, इसका मतलब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अब वो दूसरे की बता रहा है, तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, लेकिन फिर उसको टिकट दे दिया जाए, वो चुनावों के लिए एनडीए का उसको प्रत्याशी बना दिया जाए, तो हो सकता है कि उसके उसके में कुछ तो तथ्य होगा जो कि हम नहीं जानते हैं, कोई और बताएगा। एक आरोप ये लगाया गया है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को घोटाला कह रहे हैं। उनका तर्क है कि एक कंपनी, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कंपनी जिसका मुनाफा 2 लाख रुपए है, वो बीजेपी को 3.5 करोड़ रुपए चंदा देती है। जिस कंपनी का मुनाफा 16 लाख रुपए है, वो बीजेपी को 2 करोड़ चंदा देती है। और जिसका मुनाफा 144 करोड़ है, वो 375 करोड़ का चंदा दे देती है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अब चंदा जिसने दिया उतने डिजिटल दिया, अगर उसके सोर्स ऑफ इनकम गलत है तो किसी को भी तो जाकर के केस करना चाहिए, फाइल उसकी जांच होगी। मैं यही तो बार बार कह रहा हूं। तो एसबीआई को दिया गया, एसबीआई और सरकार दोनों को पता है। नहीं तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब आएगा मामला प्रकाश में तो जांच होगी, और अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम गलत है तो पक्का उसको कार्रवाई होगी। मैं प्राइमा फेसी आपसे एक चीज पूछता हूँ। अगर सपोज करिए आपकी कमाई 2 रुपए, तो आप मुझे चंदे में 10 रुपए या 15 रुपए कैसे दे सकते हैं? वही अब हमारे ऊपर जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए आप पक्का होना चाहिए। ये बड़ी बात कर रहे हैं, पक्का जांच होनी चाहिए, 100% जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कार्तिक के पास आऊंगा। मनोज जी बताइए, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का चेहरा कौन है? आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में चेहरा है, कद्दावर नेता है, वो चेहरा कौन है? यहाँ टाइम आने दीजिए, वो भी आ जाएगा। आस पड़ोस है क्या? अभी तो चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री का, और हमारा चेहरे नरेंद्र मोदी हैं। हमारे चेहरे हमारे देश को सबको पता है। तो जब 25 में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, कौन होगा अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। आप होना चाहते हैं क्या? हैं? आप होना चाहते हैं? आप ही अकेले बचे हैं। नहीं, मैं तो सांसद के लिए हूँ। और देखिए, ऐसा सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसमें तो नेता लोग झूठा ही बोलते हैं। दीपा मनोज जी, आपकी पार्टी में सांसदों से इस्तीफा देके विधानसभा का चुनाव लड़वा लिया जाता है? नहीं, सच तो ये है कि कौन है ऐसा राजनीति में जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, जयशंकर जी आपका सवाल। ये तो ईमानदारी सवाल, बातों को घुमाना वाना हमको आता नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, हम उसको एकदम पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं और टारगेट पे जाते हैं। थोड़ा सा डाइग्रेस करके हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें। जयशंकर जी। नहीं, मनोज जी आपने अभी बहुत सारी बातें कही हैं। अब कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कोई बयान दिया था, वो बयान जब जब बात हुई तो उसको झूठ साबित हुआ। वो कहीं साबित नहीं, कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी है, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये जो और उनके साथ जो लोग थे उसमें से एक सहला राशिद थी, वो अभी भाजपा की तरफ चली गई हैं। वो भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो आप लोग बताते थे ना, ये जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब वो राष्ट्रवादी हो गई हैं। तब अब टुकड़े टुकड़े गैंग की नई मेंबर रह गई हैं। एक तो एक है जी। दूसरा ये है कि जैसे आपने बार बार बहुत सारी ईडी और इसके बारे में, कौन मुकदमा करेगा? ईडी करेगा ना। तो ईडी ने तो पहले गिरफ्तार किया शरत रेड्डी को, और एक हफ्ते बाद जब उसको 5 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड में डाल दिया तो रिहा कर दिया। अभी एक ताज़ा मामला आया है गुजरात का। गुजरात में एक कोई दलित के नाम पे 11 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बांड खरीदा गया। उसने कहा कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे पास तो वेल स्पन अडानी जी की तरफ से आए थे लोग, उन्होंने कहा कि आपके नाम पे ये इलेक्ट्रोल बांड खरीद रहे हैं और बीजेपी को दे रहे हैं, वो दे दिया। तो ये केस कौन करेगा? ये तो ईडी करेगी ना। तो ईडी को सिर्फ दिखाई देता है अपोजिशन। और देखिए, जो 25 लोग थे जिनके खिलाफ ईडी ने मुकदमे किए, उसमें से 23 लोगों को
उनके केस या तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए या फिर खत्म कर दिए गए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब जवाब ले लेते हैं जी। सर मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसको ये लगता हो कि ईडी केस नहीं रजिस्टर कर रही है वो कोर्ट जा सकता है। इस देश में न्यायालय इसीलिए बने हुए हैं कि जिनको डाउट है किसी पर तो न्यायालय का रास्ता जाए। मेरा आरोप सिर्फ ये है कि जो लोग इस तरह की सनसनी फैला रहे हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको कोर्ट जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट किसी की भी बात सुन करके कहीं ना सुनो, थाने में एफआईआर नहीं होता है तो आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट ले लेती है संज्ञान। तो इसलिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, मेरी छोटी सी जानकारी है, केस में घुसा नहीं हूँ। ये अरविंद केजरीवाल को आपने कहा कि अदालत गिरफ्तार करती है, अदालत का कोई वारंट था क्या? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए किसी अदालत का कोई वारंट था क्या? नहीं, ईडी ने बुलाया, उन्होंने गिरफ्तार कर लेकिन लिया। सर वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट ही गए थे। सर आपको बताऊं, उन्होंने 8 उनको सम्मन दिए गए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए तो बाद में गए थे कोर्ट। तो उनको कैसे पता कि बुला रहे हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको बुलाया जा रहा है कि आइए बात करनी है, आपको लग रहा है मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। इट मींस कि आपका गिरफ्तारी कर लेकिन वो पीएमएलए कानून जो है उसके तहत उनके पास एक एडेड एडवांटेज आ जाता है, वो लोग अचानक रात में जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी विधिवत हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि प्रूफ क्या है। प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रूफ जैसा है, अभी तक आप बाहर क्यों घूम रहे हो, आपको तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था। ये टिप्पणी है कोर्ट की। तो उसमें कई लोग कई बार ईडी की कार्रवाई के बाद भी लोग कोर्ट जाते हैं, ये तो पहले ही चले। अभी तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? ईडी यही क्यों प्लान कर रहा है कि 2 या 3 महीने में हम जल्दी से जल्दी ट्रायल करेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही है। नहीं नहीं, ट्रायल तो चल रहा है, मतलब कोर्ट ईडी की कार्रवाई चल रही है और बहुत बड़े बड़े सबूत हैं जिसके कारण उन लोगों को शायद बेल नहीं मिल रही हो। लेकिन इस पूरे मामले में अब पीएमएलए कानून ये कहता है, जब तक पीएमएलए कानून ये कहता है, संजय सिंह को जैसे बेल मिली, कि जब तक जज कन्विंस नहीं हो जाते हैं तब तक कि ये बेगुनाह है। और उनका ये कहना है कि इसमें ना तो कोई मनी ट्रेल है, ना मनी का हैंडओवर चेंज है, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है और संजय सिंह को इसीलिए बेल मिल गई। तो देखिए, किसी भी केस में जब घोटाला हुआ, सीधी आप देखिए, दिल्ली में एक शराब की बोतल बिकने पे सरकार को मिलता था 12% कमीशन और विक्रेता को मिलता था 1.5% कमीशन। अचानक अरविंद केजरीवाल सरकार कहती है कि विक्रेता को मिलेगा 12% कमीशन और सरकार को मिलेगा 1.5% कमीशन। इसके बाद भी किसी को शंका है क्या कि खजाना लूटा गया? जी, उनका मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर कन्हैया कुमार ने ये नारा लगाया सर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार यूएपीए लगा के उनको अंदर क्यों नहीं कर रही है? तो कोई बात नहीं, उनको बोलिए आ जाएं, लड़ जाएं चुनाव। नहीं नहीं, चुनाव नहीं, ये सवाल बहुत जेन्युइन है। ये तो आप लोगों का काम है, यूएपीए क्यों नहीं लगा रही है सरकार? ये तो आतंकवाद है, ये तो आतंकवाद। मैं तो भैया क्या है ना सर, कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ऐसा सुना हूँ, अच्छा, मैं ऐसा देखा हूँ, मैं जेएनयू गया भी हूँ और बहुत सारे लोगों ने बताया और जो ऑडियो वीडियो चल रहे थे उसको भी देखा हूँ। अब उसके बाद फिर भी उनको लगता है कि नहीं वो बेदाग हैं तो वो आए चुनाव में, फैसला हो, मतलब बहुत ठोस सबूत नहीं है। ठीक है सर, अब एक सवाल पूछूंगा आपसे। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को तोड़ने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरा इसमें मानना है कि ईडी हो सीबीआई हो जांच एजेंसी हो, आज उसको मोदी जी के सरकार में फुल फ्रीडम है। उनको यही कहा गया है कि आपको किसी दबाव में काम नहीं करना है, आपको किसी भय या पक्षपात में नहीं रहना है। जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो या अरविंद केजरीवाल हो,
अगर भ्रष्टाचार किया है, आपको लगता है आप प्रूफ कर सकते हैं, तो गो अहेड। तो विपक्ष कह रहा है कि छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा सरमा, इन सब के ऊपर अजीत पवार, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, छगन भुजबल पे तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बरी कर दिए गए, इसलिए छगन भुजबल को इसमें नहीं लेना चाहिए, वो बरी है। दूसरी चीज, बाकी जितने नाम ले रहे हैं उन पे केस चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, मैं दावे से इस कुर्सी पे बैठ के कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप है वो बीजेपी भी ज्वाइन किया होगा तो उसका केस खत्म नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है 2017 से लेकर अभी तक? अरे यहाँ जो भी नाम आपने लिया, ईडी ने कभी समन किया क्या इनमें किसी को? राम मंदिर का फैसला आने में आजादी के बाद 75 साल लग गया, कोई चिंता नहीं किया, किसी में 2 साल लग रहे तो आप चिंता कर रहे हैं। वो आपके ऊपर सर वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं। वो हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, जो भी हमारे यहाँ, तो आपको याद दिलाऊं, लालकृष्ण आडवाणी जी पे आरोप लगा। हम किस नेचर के हैं, हमारी प्रकृति क्या है, आज TV9 भरतपुर पे जानिए कि लालकृष्ण आडवाणी जी पे एक जैन डायरी में नाम आया, आडवाणी जी ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी ने कहा बेगुनाही साबित करके आइए, जब कोर्ट ने उनको बरी किया तब वो आए। मदनलाल खुराना जी का है, हम तो अगर आरोप भी लगा तो आपको अपनी बेगुनाही खुद ही सिद्ध करनी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, राजकुमार आनंद, उनके मंत्री, कई सारे उनके पास पोर्टफोलियो थे, उनके 9 ठिकानों पर पिछले साल एक साथ छापे पड़ते हैं। 2 घंटा पहले वो संजय सिंह का वीडियो ट्वीट करते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं, और यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दबाव बनाया जा रहा है। अब अंतरात्मा जग गया होगा तो हम क्या करें उनका? देखो, अगर कोई सच्चा आदमी है या आधा सच्चा आदमी है, देखो भैया क्या है ना कि हमारे यहाँ तो अगर कोई अपराध हुआ है आप उसके साथ खड़े भी हैं तो आपकी जांच होती है। नहीं, लेकिन जैसे नवीन जिंदल हैं, उनके ऊपर आप लोग कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे, वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद आप उनको चुनाव लड़वा देते हैं। नहीं, तो उनका जो आरोप होगा वो ऐसे ही होगा। अब ये कोर्ट से पूछिए कि उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा है। अंतरात्मा जग जाती है। किसके किसके? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रत्यक्ष होते ही अंतरात्मा जग जाती है। लेकिन ये देखिए, अच्छी बात है, अगर जांच एजेंसी को लग रहा है उनको कि यार ये बहुत कड़ा है, ये कोई दाहिने बाएं से मानने वाले नहीं है, ये तो सत्य ढूंढेंगे, और उस समय उनको लगे कि भैया जो भी है ना, इस झंझट से भागो, तो इसका स्वागत होना चाहिए। शांतनु, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, अब आप लोग तैयार हो जाइए रैपिड फायर राउंड के लिए। आप लोग तैयार हैं? हमारे शो का सबसे पॉपुलर राउंड, रैपिड फायर राउंड, जोरदार तालियां हो जाए पहले। मनोज जी, मैं आपको वहां पर 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, ठीक है? एक तस्वीर आपको चूज करना है, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। ये बड़ा लफड़ा है, सुनिए। नहीं नहीं नहीं, बड़ा सिंपल है। आप ये फंसाने वाला काम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल। आइए, आप आइए मेरे साथ, आइए मनोज जी, आइए प्लीज आइए। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए पहले, जोरदार तालियां, और हर सवाल पे हौसला बढ़ाते रहिएगा, जोरदार तालियां एक बार फिर से। पहला सवाल एक चुनना है मनोज जी आपको, मनोज जी के लिए पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ ये है, बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? कोई भी नहीं। एक सुनिए, अब देखिए, इस एम कह रहे थे आप हम फंसाएंगे, और वैसे बेहतर की बात, थोड़ा बेहतर तो ये लगते हैं उनसे। अच्छा, जोरदार तालियां हो जरा, जोरदार तालियां। ये स्पिरिट एग्जैक्टली यही चाहिए कि कितनी क्लैरिटी से आपने बोला। अगला सवाल दिखाइए जरा, दिल्ली के विकास में बड़ा योगदान किसका है, शीला दीक्षित जी का या अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित। जरा तालियां थोड़ी कम सुनाई दे रही है, जोरदार तालियां हो यहां पर। हर सवाल पे हौसला बढ़ाइए मनोज जी का। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बेदाग नेता कौन है, अशोक चौहान, हेमंता बिस्वा सरमा, नारायण राणे, अजीत पवार? चारों चारों बेदाग है। ये देख, बेदाग हम कहने वाले कौन हैं? वैसे सबके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, चलेंगे तो हम बेदाग कैसे कह दें? जिन पे केस है उनका केस का रिजल्ट आने तक हम बेदाग नहीं। इनके खिलाफ तो आप व्हाइट पेपर तक लेके आए थे, तो उनका जो भी चल रहा होगा, चल ही रहा होगा।
ठीक है ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए जरा अगले सवाल के लिए। अब आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, परिवारवादी नेता कौन है? चिराग पासवान, एचडी देवगौड़ा, जितिन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर। परिवारवादी नेता कौन है? क्या सोच रहे हैं आप? सब तो अपने ही हैं। नहीं, पहचान रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का एक परिभाषा आया है, उस परिवारवाद में अब परिवारवादी नेता वही होता है जो कि पार्टी का मुखिया हो और उसके बाद भी पार्टी का मुखिया उसी का पार्टी का बनता हो, तो उस हिसाब से समझ लीजिए। इनमें से तो सारे वही दिखाई दे रहे हैं एकदम। नहीं, अभी इनका परिवार थोड़ी आया है, ये तो भी पहली बार आए। इनके बेटे लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ना परिवारवादी नहीं कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो वो आपने टिक कर दिया है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, आप संसद का बयान उठा लीजिए कि कुछ लोग का पार्टी होता है और उस पार्टी का मालिक वही कि उनके या उनके बेटे या दामाद बनते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए। मुझे बताइए, इनमें से कौन अपनी पार्टी का मालिक नहीं है? अब अपनी पार्टी का मालिक लेकिन आगे क्या होगा देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल, अब ये सवाल आपकी एकदम पुरानी फील्ड का है। बेहतर एक्टर कौन है, नसरुद्दीन शाह या अनुपम खेर? देखिए, एक्टर तो वो अच्छे हैं लेकिन इंसान ही अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। मुझे याद आ रही है वो जो क्रिकेट बॉल आपने मुझे मारी थी बैटिंग करते वक्त, आपका वैसे ही शॉट निकल रहा है अभी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल जरा जोरदार तालियों के साथ ये देखिए, बड़ा सुपरस्टार कौन है? मनोज तिवारी जी। ये बड़ा है, ये बड़े सुपरस्टार है, क्या बात है, जोरदार तालियां। आपके हिसाब से बड़ा सुपरस्टार कौन है, बताइए जरा, बताइए बड़ा सुपरस्टार कौन है? मिक्स है मनोज जी, अब क्या बताएंगे आप? नहीं, आज तक यही कंफ्यूजन चल रहा है तो। देखो, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, रवि किशन जी से जब मैंने ये सवाल पूछा था इसी शो में, आइए दिखाइए जरा उन्होंने क्या बोला था, दिखाइए प्लेट ऑन। बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार कौन है, मनोज तिवारी या रवि किशन? रवि किशन। कौन है? मैं आप लोग बोलो, जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन? मनोज जी, मैं फिर से सवाल, पब्लिक पलट जाती है यहाँ पर, बेहतर सुपरस्टार, बड़ा सुपरस्टार कौन है? नहीं, रवि किशन। अरे वाह, चलिए आइए जोरदार तालियां। मनोज जी बैठिए आप। शांतनु जी से मैंने सवाल नहीं पूछा था, शांतनु जी आपका सवाल प्लीज गो अहेड, आइए। मनोज भाई, आपको ईडी सीबीआई से उत्तर प्रदेश ले चलता हूँ, और रवि किशन जी की बात आई, रवि किशन जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ जी वाली सीट से सांसद हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी? और आजकल आप उनके साथ मन साझा करते हैं, उनके साथ बहुत सारी रैली देखी हैं, तो जब 2009 में वापस झांकते हैं, जो आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बोला होगा, तो कैसा लगता है आपको? मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं बहुत दूर का सोच, ये आरोप लगता है आप पे कि आप अपने स्टैंड से बदल जाते हैं। नहीं, आप कोई भी लाइन उठाइएगा, देखिए मैं बड़ा दूर तक देखता हूँ, और आप अगर दूर तक नहीं सोच सकते तो आप राजनीति में बहुत एक्सीडेंट करेंगे। मैं चुनाव लड़ा था, मेरा 3 महीने का एक पीरियड था जिसमें मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ा था। अमर सिंह जी आज संसार में नहीं हैं, और मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहा था, उसी सेट पे हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, और मैं ना चाहते हुए चुनाव लड़ गया। हालांकि पहली मीटिंग में ये कहते हुए ये नहीं पता था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वो एक सिचुएशन था जिसमें कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोग थे, अमिताभ बच्चन जी थे, अमर सिंह जी थे, और उनके सामने मैं दृढ़ता से ना नहीं कर पाया, और मैं वो चुनाव लड़ा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप निकाल के ला सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का पहले भी सम्मान करता था, तब भी सम्मान करता था, आज तो खैर सम्मान है।
मनोज जी थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आपका माइक पीछे से अटक रहा है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, बस ठीक ठीक परफेक्ट चलो। अब आप ये कह रहे हैं मनोज जी कि आप अपना स्टैंड नहीं बदलते। स्टैंड गलती हो सकती है, तो गलती होगी तो सुधार कर लूंगा। अच्छा ठीक है, स्टैंड नहीं बदल सकता। चलिए ठीक है, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे, हाँ। तो आपने बयान दिया था, जाने दीजिए छोड़ दीजिए ना उसको एक बार बताना तो जरूरी है मुझे, आपने बयान, कुछ चैप्टर छोड़ देने चाहिए क्योंकि वो अब उस पर मैं जानता हूँ। अब जिक्र किया तो मुझे बता देता हूँ, आपने कहा था कि नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखते हैं और अब नीतीश कुमार में मनोज तिवारी को विकास पुरुष नजर आता है। नहीं देखिए, मुझे एक मैंने बयान सुना नीतीश कुमार जी का विधानसभा में महिलाओं के प्रति, वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत अंदर से नाराजगी हुई। उस नाराजगी में मेरे मुंह से कुछ निकला क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी को जानता था। नीतीश कुमार जी को 2005 से मैं सपोर्ट कर रहा हूं। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी बिहार में जंगल राज को हटाने के लिए हमने नीतीश कुमार का साथ दिया। तो उस नीतीश कुमार जी को जब मैं महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते हुए सुना तो मेरा मन विचलित हुआ। उसमें हमारे मुंह से कुछ ऐसी लाइन निकली थी कि पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, क्या आजकल कर रहे हैं, बट उन्होंने अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर ली। तो जो अपनी गलती स्वीकार कर ले फिर हम भी चलिए। मैं वो बयान नहीं सुनाता हूं, लेकिन एक और आपका जो बयान है उसको जरा प्ले ऑन करिए, मनोज जी का बयान दिखाइए जरा एक बार। सब ढूंढ के रखे हो। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए। मनोज जी नीतीश कुमार गौन केस है। तो अभी यही तो हम बोल रहे थे कि उस समय हम तो यही बोल रहे हैं ना कि मुझे दुख हुआ, और वो बयान वही है जो मैंने बोला था। उस परिस्थिति में मैं ऐसा ही बोलूंगा। ठीक ठीक राजेश, मेरा सवाल ये है आपसे मनोज जी, आपको बहुत अच्छी बात आपने कही कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खिलाफ तथा कथित रूप से कुछ बात कही आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फूहड़ता छिछलापन भोजपुरी गानों के जरिए आप पर आरोप लगता है कि आप महिलाओं के खिलाफ तमाम तरह के गाने गाते हैं और इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, आप कैसे अपना बचाव करेंगे? नीतीश कुमार का तो आपको बुरा लगा। मैं मेरा कोई भी गाना सुनाइए। आप लोगों को किसी को मालूम है इनके गाने भोजपुरी के? लहंगा उठा के क्या सर? सर एक मिनट सर, हाँ मैं आऊंगा उस पे आऊंगा मनोज जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता होगा तो झूठा आरोप लगा रहा है। मेरा कोई भी गाना बलगर नहीं हो सकता, हास्य में हो सकता है, व्यंग हो सकता है। होली के गानों में थोड़ी सी आप होली तो मस्ती आप जानते ही हैं, अदरवाइज मैं तो भजन सम्राट के नाम से जाना जाता हूं साहब। अरे सर आप, मैं एक मिनट मनोज जी एक मिनट, मैं आपको हाँ लेट मी कंप्लीट। मेरे 3000 गाने भजन के हैं और हमारे भोजपुरी क्षेत्र में जे हमनी के माता बहन सब हमार गीत नवरात्र भी आवेला, अभी भी तो 4 गाना हमारे ट्रेंड करत रहे। रही बात कि हम सिनेमा भी किए हैं और हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे अभी कंगना रनौत के खिलाफ एक कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया। हम जब फिल्म में करते हैं काम तो फिल्म में क्या गाना हमसे क्या गवा रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है उसको मेरे साथ मत चिपकाओ। अमिताभ बच्चन जी भी कभी गाना कहे हैं कि समंदर में नहा के तुम, तो क्या अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर वैसा कर देंगे? क्या फिल्म में कोई रेप सीन कर रहा है तो रेपिस्ट हो जाएगा? क्या इस तरह से इस देश में कलाकारों को लिया जाएगा? अगर इस तरह से कोई लेता है तो मैं समझता हूं वो सिनेमा नहीं जानता। हम सिनेमा में कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल गाया हुआ गाना, मेरा दावा है कि कभी वो फूहड़ नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको एक, क्योंकि आपने जिक्र किया है, मैं कुछ गाने आपको बताता हूं। आपकी फिल्म धरती कहे पुकार का ये फिल्म है, हाँ। सुनो पहली बोल रहा हूं, ये फिल्म है।
फिल्म में मेरा कैरेक्टर क्या है उस पे जाइए पहले। मैं गाने की बात कर रहा हूँ, गाने के वर्ड थे गोदिया में हमका हमके लेला पिया। हाँ, गोदिया में हमके लेला पिया, ये क्या है, हमें गोदी में ले लो, ये बलगर है। पिया अपने पिया से कह रही है, ये कोई गलत आपको गाना दे। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, मेरे पास एक और गाने का वर्डिंग्स है। लड़की का कमर करंट मारे ले, लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं गाया कि लड़की का कमर करंट मारे ले, मैंने ये गाया है लड़की करंट मारे ले। अब इसको आप वल्गर मानते हैं कि लड़की ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले, ये वल्गर कहां से हो गया? इट्स रोमांटिक। अच्छा चलिए, ये रोमांटिक, अब मुझे अगला बताइएगा ये रोमांटिक। अरे भैया ऐसा मत करना, रोमांस मत खत्म करो। पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। तो इसमें वल्गर क्या है, इसमें वल्गर क्या है? पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागे ला मिसाइल, ये वल्गर नहीं है? तो लड़कियां मिसाइल ही होनी चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? या आप देखिए इसमें, आप खुद इसके वर्डिंग सुनाना चाहेंगे? इसमें हास्य व्यंग है, हास्य है इसमें, मतलब जिस तरह इतना लड़की दुब्बर हो जाता है, कुछ खाते नहीं एक, तो एक, एक किसी भी महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना ठीक है सर? नहीं, इट्स देखिए, अगर किसी को इस पे एतराज हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये गाना वल्गर नहीं है, वल्गर का मतलब कुछ और होता है। अच्छा ठीक है, आरोप लगता है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी गाना गाते हैं बबुनी के लागल बा शहर का हवा और ही पढ़ावा। हिंदी में अनुवाद करें तो गाने का मतलब है लड़की को शहर की हवा लग गई है, पढ़ाओ और पढ़ाओ बेटी को। उसकी अगली लाइन क्या है आप बता दीजिए? कहली के गाँवे में नाम लिखवाओ। हाँ, मैं कह रहा हूँ गांव के एजुकेशन को भी बड़ा बनाओ, तो आप आधा गाना पढ़ रहे हैं। क्या क्या बेटियों के शहर जाने पर आपत्ति? ना ना ना, आपत्ति नहीं, मेरी बेटी भी शहर में रहती है। मैं क्या, पूरा गाना सुनो, आप एक बार गुनगुना सकते हैं मनोज जी? हाँ प्लीज। एक बार पहले जोरदार तालियां मनोज जी की। उस वो गाना एक एल्बम का गाना है जी, जिसमें एक परिवार की बात है जी, कि उसको थोड़ा सा उसकी बिटिया थोड़ी सी उसको लगता है कि मेरी बेटी हमारे अनुसार नहीं चल रही है, तो उसमें कहते हैं कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहली कि गाँवे में नाम लिखवावा औरी पढ़ा। तो इस गाने को समझो, मैं कह रहा हूँ कि तुमको अपनी बेटी को गाँव ही पढ़ाना चाहिए था, वो एक कैरेक्टर है। बाकी मनोज तिवारी की बात करिए तो मुझे किसी भी लड़की पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना मैं करना पसंद करता। जैसे ये मैं इसकी मैं तारीफ करूँगा, लेकिन ये है कि आपका एक और गाना वायरल है कि बेबी बियर पी के नाचे समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है? हाँ है, वो भी ठीक है। नहीं, उसमें मैं कह क्या रहा हूँ बताइए, मैं कह रहा हूँ बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है? लोगन के निकले लागल दम 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 दम, वो तो कह रहा है। देखो अब इसमें दोनों तरफ में मारा जाऊंगा, ठीक है क्या है वैसे? ठीक है, अब मैं ये बात सही है कि मनोज जी जो है वो व्यंग गायन के लिए जाने जाते थे, बड़ा नाम थे। किया हूं, लेकिन मैंने लड़कों का भी किया है। नहीं, मैं आपके मानतनी बतिया बबुआ छोड़ी दतिया पाउच पियला से नाही बनी कुल। मैं मूलतः मैं नशे का विरोधी रहा हूं, तो मैं यही गा रहा हूं कि देखो हमारा तो भैया दम निकल रहा है, देखो हमारी बिटिया वो बेबी बियर पी के नाचने लगी। तो उसमें भाव को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, बट मैं क्यों कहूँ कि लड़कियों को शराब नहीं या बियर नहीं पीनी चाहिए? हु आई एम, मैं क्यों कहूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बच्चे अपना भविष्य खुद तय करें, मैं खुश हूँ। मनोज जी, एक गाने ने तो अटल सरकार को भी परेशान कर दिया था, आपको याद है वो गाना? आपको याद है वो गाना? एक गाना आपका था व्यंग, पता नहीं कौन खुदाई कर कर के आप लेके आए हो सब गाना। वो मैं उसके वर्डिंग्स आपको बताता हूँ, एक सेकंड फिर मैं आपसे सुनूंगा। अभी वो गाना था काहो अटल चाचा प्याजे पे मार हो गईल, अब क्या प्याज खाई बे प्याजुए अनार हो गईल। तो एक सिचुएशन था
नहीं नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं थे, ये पॉलिटिकल गाना नहीं था, हम उस समय एक सिंगर, बल्कि बहुत अच्छा व्यंग था, ये बहुत अच्छा व्यंग था, तो एक व्यंग था। तो हम तो, अगर आर्टिस्ट एक समय था ना जब प्याज व्याज महंगा हो गया था, सब कंफ्यूजन में था, मनोज जी हमारे एडिटर्स बोल रहे थे अगर आप ये गुनगुना पाएंगे। अरे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है। अब नौकरी पर जब बात होती है तो आपका एक गाना वायरल होता है, जरा उसको सुनाइए जरा एक बार। मेरे हर गाने में एक मैसेज है, बेरोजगारी का गाना है, विपक्ष कह रहा है कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है, दौड़ दौड़ के लोग थक गए हैं, जूते चप्पल फट रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ये तब का गाना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। और देखिए हम आज कहां कह रहे हैं कि हम सभी बच्चों को नौकरी मिल गई है। मनोज जी ये 21 साल का गाना होगा लगभग, वैसे किस साल ये वाला गाना, कौन से साल का होगा ये गाना? है 2003 का है। अच्छा 2003 का, अटल जी की सरकार थी वैसे शायद। हाँ जो भी हो, देखिए मेरा, मैं बार बार कहा ना कि मैं एज एन सिंगर मैंने हास्य व्यंग रोमांस होली सब गाए हैं, और मैं किसी भी गाने, हाँ थॉट वाइज जरूर आप कह सकते हो कि आपने क्यों कहा कि लड़की बियर पी रही है, भाई सॉरी गलती हो गई, लेकिन अब हमको धीरे धीरे समझ में आया ना कि इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। तो अब मैं समझदार हो गया। उस वर्डिंग्स के मैसेज पर है कि लड़की बियर पी के नाचे थम छम, उसके मैसेज पर आपत्ति है। हाँ अब मैं वही बात बोला ना कि अब तो मैं गा दिया क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा ना हो। उसके पहली वाली लाइन को समझना पड़ेगा, निकले लागल दम तो वो ऐसा छम्मा छम। तो लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हमें कोई राइट नहीं है, समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये छोटी छोटी बातों से बचना चाहिए। लेकिन अब तो दिमाग अब खुला है ना, पहले नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, जब पठान फिल्म में एक फीमेल एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर अलग अलग तरीके से आरोप, अलग अलग तरीके से कंट्रोवर्सी होती है, तो फिर किसमें, पठान फिल्म में कंट्रोवर्सी होती है तो फिर आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं। मैं इसलिए नहीं, मैंने पठान पे नहीं आरोप लगाया। नहीं आपने नहीं लगाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो निशांत भाई, मैं आप सभी को बताऊं और सब जो लोग देख रहे हैं, मैं पता नहीं कैसे, मैं शुरू से ही ना कुछ अच्छी आदतें मेरी हैं, मैं बिला वजह किसी को गाली गलौज में विश्वास नहीं करता। जैसे आज भी मैं इस इंटरव्यू में एक लाइन ऐसा बोला हूं जो मेरे दिमाग में लग रहा है कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जैसे मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल को पॉकेट मार की तरह ले जाया गया, तो वो मेरे दिमाग को सूट नहीं करता है। मैं मनोज तिवारी वो नहीं है, लेकिन ये लाइन मैं नहीं बोला हूं, उनका ही एक प्रवक्ता बोली एक दिन टीवी पर, वो ऐसा बोली कि उनको पॉकेट मार की तरह ले जा रहे हैं। तो मैं बोल, आप अगर पूछे होते ना कैसा आप बोल रहे हैं तो मैं तुरंत वीडियो रखा हूं दिखा देता। ठीक ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आदमी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। राजनीति में विरोध के भी तरीके हैं, लेकिन विरोध कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये अच्छी बात है, आजकल के चुनाव के इस दौर में अगर आप मर्यादाओं का ख्याल रखें, वाकई में इसकी काबिले तारीफ है। लेकिन समीर जी, मनोज जी आपके साथी जो रहे हैं हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी लेखी, दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, दोनों इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मोदी जी की जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो तीसरी बार सांसद बनने पे आप कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको देखा जाएगा, या आप उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में आप ज़्यादा केजरीवाल को चुनौती देने की मतलब तैयारी दिखाओगे, क्या चाहोगे आप, मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनना या अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर चुनौती देना? देखिए हम इसमें कुछ डिसाइड खुद नहीं करेंगे, और हम क्या बहुत गंभीरता से राजनीति के पथ पे चल रहे हैं, और उस राजनीति को इसलिए ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब राजनीति समाज सेवा है,
अब हम एमपी नहीं कहते हैं अपने आप को, सेवक कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। इसलिए ये सब बातें गौड़ हैं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं, बन जाऊंगा तो बहुत अच्छा, बड़ा खुश होऊंगा। नहीं बनूंगा तो भी उतना ही खुश रहूंगा, क्योंकि हमारा देश, हमारा सत्य सनातन धर्म बचने वाला है, हमारा सत्य सनातन धर्म बड़े रास्ते पे जा रहा है, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दिल्ली अकेला राज्य है जहाँ बीजेपी 26 साल से वनवास में है। जी 26 साल, बाकी राज्यों में 5 साल में वापस आई, उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद वापस आई, रिपीट कर जाती कई राज्यों में, तो आप लगातार रिपीट करें, पर बीजेपी का दिल्ली का वनवास सबसे लंबा है इस देश में, क्यों? देखिए, मुझे लगता है इस क्यों की जगह पूछना चाहिए किसका रिजल्ट क्या हुआ। क्यों इसलिए, क्योंकि आप प्रतिद्वंदी तो आप ही हैं, बड़ी पार्टी आप हैं, नेशनल पार्टी आप हम हैं। 10 साल का तो जानते हैं, नहीं उससे पहले 15 साल वो हमको नहीं पता है, वट एवर द सिचुएशन जो भी था। लेकिन हम तो इसको आपके प्रश्न से ये निकालते हैं कि चलिए 26 साल तक बीजेपी हारती रही, क्या 26 साल में दिल्ली जीत गई? क्या उन 26 सालों में दिल्ली की जो आकांक्षा थी पूरी हो गई? लेकिन दिल्ली के लोगों को वही पसंद था, दिल्ली के लोगों को वही पसंद था, तभी 26 साल तक लगातार आपको बाहर रखते रहे। देखिए 15 साल में वो उब गए थे शीला जी से, वो भी तब उबे जब एक व्यक्ति बहुत गाली देता हुआ आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हुआ आया, और आज वही दोनों एक दूसरे में समा गए। मनोज जी, अब इसके बाद का जो धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, मैं मानता हूं कि अब दिल्ली डिसाइड कर चुकी है कि बहुत हो गया धोखा, बहुत हुआ अविश्वास, अब हम नरेंद्र मोदी के डबल इंजन में करेंगे विश्वास। और हम आपको आज टीवी 9 भारतवर्ष के शो में एक बात कहना चाहते हैं सर, आप सभी लोगों को, लोगों को भी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, अगर दिल्ली की 92% समस्याओं को हमने समाप्त न कर दिया तो दोबारा मनोज तिवारी भी राजनीति में नहीं रहेगा, ये आपको बता। मनोज जी, आप अभी आपने सनातन का जिक्र किया, हम लोग बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कहता है कि अगर वो राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जाते हैं तो वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? देखिए, खाली दर्शन ना करने की बात से तो हम गैर सनातनी नहीं कहते हैं, लेकिन वो लोग तो राम जी का मंदिर बने नहीं इसके लिए वकील खड़ा करते रहे, राम काल्पनिक थे इसके लिए वो करोड़ों रुपया खर्चा किए हैं। आज भी इंडी गठबंधन कहता है कि भी तो राजीव गांधी ने खुलवाए, जमीन अधिग्रहण भी तो नरसिम्हा राव ने किया, तो एक बार कहें तो, एक बार तो, कहें तो खड़ा होके, वो तो हमेशा कहते हैं एक बार। नहीं, पीवी नरसिंह राव जी का योगदान था, पीवी नरसिंह राव को योगदान था तो कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव जी का हाल क्या किया? देखिए, अगर राजीव गांधी ने ताले नहीं खुलवाए होते, अदालत नहीं गए होते, तो आज यहां तक आ पाते? ये क्या कांग्रेस कहने को तैयार है? कांग्रेस कई बार ये कह चुकी है। देखिए, कांग्रेस तो आज उस इंडिया अलायंस में है जो कहती है कि हम 370 फिर से लागू करेंगे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया कि हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलेगा? ये देश के सिर्फ मुसलमान स्टूडेंट्स को ही क्यों स्कॉलरशिप चाहिए? मुसलमान को भी चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, बौद्ध को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, जैन को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, देश के हर स्टूडेंट को चाहिए कि स्कॉलरशिप मिले। आप एक जात धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? तब मुझे लगता है, देखिए ये एक बार नहीं कहा इन्होंने, सनातन धर्म को भगवा आतंकवाद किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। तो ये सनातन धर्म के कितने बड़े विरोधी हैं ये मनोज तिवारी को कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मानना है कि सनातन धर्म जितना सजेगा उतना ही भारत के साथ साथ पूरा विश्व सुरक्षित रहे। राहुल गांधी को दर्शन के लिए जाना चाहिए था या नहीं? 100% जाना चाहिए था, उस दिन मत जाते, 10 दिन बाद चले जाते। क्या मनोज तिवारी राम मंदिर के दर्शन करने गए?
हम तो रात भर झाड़ू लगाए थे जिस दिन संसार दर्शन किया। दर्शन किया आपने सर? नहीं, अभी हम तो वहाँ, हम अभी भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए बढ़ने के बाद, लेकिन हम 22 जनवरी की रात सुबह 5 बजे तक गलियों में झाड़ू लगाता रहा। हम आपसे खुद ही मिले थे वहाँ। अरे आप तो मिले लेकिन, थे सर। लेकिन मनोज जी, आप खुद दर्शन करने नहीं गए, बीजेपी के कई नेता दर्शन करने नहीं गए, अगर राहुल गांधी नहीं गए तो फिर वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? भैया राहुल गांधी से मेरा ही कॉम्पिटिशन है क्या अभी? चलिए अब हमारा ये आखिरी पड़ाव है। वैसे भी आपको बता दूं कि हम सांसदों को जिम्मेदारी है, हम अपने अपने क्षेत्र के लोगों को आस्था स्पेशल ट्रेन से दर्शन करा रहे हैं जी। जब पूरे लोकसभा को दर्शन करा लेंगे फिर उसके बाद हम चलेंगे दर्शन करने। रैपिड फायर पे जा रहा हूं लेकिन एक आखिरी सवाल, पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से मना किया, वो काराघाट से लड़ रहे हैं ऐसी खबर है। या रिसेंट है क्या? अभी ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टिकट तो पवन को दिया गया था आसनसोल से, उसने वहां से कुछ कोई बातचीत हुई, आपने कुछ कहा उनको, सुझाव दिया, आप सीनियर भी हैं उनसे काफी। नहीं हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। आप नेहा सिंह राठौर को जानते? वो पॉलिटिकल सिंगर। हाँ जानते। वो इतना नाराज क्यों रहती हैं आप हमसे? हाँ नहीं नहीं, वो कांग्रेस और राजद से नाराज है। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाएं। अब है इस शो का आखिरी पड़ाव। मनोज जी आपको मुझे कैमरा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैमरा है, ये है आपका यस और ये है नो। नहीं होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, यस नो या अगर पास करना है तो ऐसे। आप उधर ही फंसाते फंसाते बचे मुझे। बहुत आसान सवाल है, देखिए यस होगा या नो होगा या आप पास कर दीजिएगा। जब ये शो आएगा ना तो रवि कहेगा तुमने खुद बोला है कि मैं सुपरस्टार हूं, इसलिए मैं ही हूं। ये लीजिए मनोज जी, ये कैमरा है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ यस या नो या पास। जोरदार तालियां पहले हो जाए मनोज जी के लिए, क्योंकि पहला रैपिड फायर राउंड बड़ा शानदार गया है हमारा। जोरदार तालियां, तालियों की आवाज नहीं आ रही मुझे, आइए जरा प्ले ऑन करिए। पहला सवाल मनोज जी के लिए, विपक्ष के दागी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। मनोज जी प्ले कार्ड, यस या नो? मनोज जी प्ले कार्ड हाथ में ले लीजिए या पास भी कर सकते हैं आप। पास करिए मुझे तो, दिखा दीजिए जरा उस पर प्लीज, पास को स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। सर ये नो है। हाँ ये इसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा। यही जवाब है, नो स्वागत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, जोरदार तालियां। देखिए स्ट्रेट सवाल स्ट्रेट जवाब, बहुत बढ़िया मनोज जी। आइए जरा नेक्स्ट प्ले करिए सवाल हमारा। हमारा अगला सवाल आपके लिए ये है, संविधान से सेक्युलर शब्द हटाया जाना चाहिए, यस या नो? यस ओके, जोरदार तालियां हो यहां पर। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो। हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा, देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए, यस। अगले सवाल के लिए एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां हो। हर सवाल का बड़ा स्ट्रेट जवाब दे रहे मनोज जी वाकई में, तो एक बार फिर से जरा तालियां हो मनोज जी के लिए। अगला सवाल, आरक्षण की सीमा 50वीं सदी से ज्यादा होनी चाहिए, नो। अगला सवाल प्ले करिए, रामलला के, दिखाइए जरा अगला सवाल, रामलला के दर्शन ना करने वाले नेता सनातन विरोधी हैं, वैसे आपने भी नहीं किया लेकिन आपने कहा कि आप बाद में जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, हम तो योजना पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगला सवाल प्ले करिए जरा, हमारा अगला सवाल दिखाइए, इंटरनेट से भोजपुरी के अश्लील गाने हटाए जाने चाहिए, यस या नो? फिर आपके भी कुछ गाने हट जाएंगे उसमें, आपके भी कुछ गाने हटेंगे उसमें से। नहीं मेरा कोई हटेगा ही नहीं। अच्छा जोरदार तालियां हो। हमारा आखिरी सवाल मनोज जी के लिए प्ले करिए, सब जानना चाहते हैं, मनोज तिवारी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुझे पास कर दीजिए। पास कर रहे हैं आप, ये पास करिए, ये तो इसका जवाब, हाँ जो आप लोग जो चाहें।
मनोज जी, इससे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करें, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, रील और रियल लाइफ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। रील हम दूसरों के कहने पे चलते हैं, रियल लाइफ में हम खुद होते हैं। तो इसलिए तो मैं आपका एक बड़ा अच्छा सवाल था कि रील के आधार पे किसी का करेक्टराइजेशन मत करो। रियल में जो भी, और वो भी मैं रियल में भी बोलता हूँ, रियल में भी अगर कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य पे गलती मांगता है, माफी मांगता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, माफ करना चाहिए। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस विनम्रता के लिए और यहां पर आने के लिए बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।